ये रहा आपका यूपी पीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर 2021 का, और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सभी सवालों के डिटेल्ड आंसर्स, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में, क्योंकि हम कोशिश करेंगे जहाँ पे पॉसिबल हम ट्रिक भी बताएंगे और जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है वो भी आपको 100% मिल जाएगी विद 100% एक्यूरेसी। तो पहला सवाल क्या था आपका कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, एल में, के में 2, एल में 8 और एम में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए कि एस में टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में, उसके बाद पी में, एंड देन ऐसे ही डी में। तो आप पहली शेल में जानते हो सिर्फ एस ऑर्बिटल ही होती है, तो 1s2 में चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 2s2 में भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p6 में भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरी जो शेल रहेगी उसमें 3s2 में 2 जाएंगे और बचे हुए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 3p4। ओके, यानी कि पी में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 नहीं है उसके पास अब पी में। तो टोटल 2, 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए एस के पास, एस ऑर्बिटल में, और 6 और 4, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए पी ऑर्बिटल में। डी में कितनी है, 0। तो 6, 10, 0 हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच ट्राई हैलाइड, सॉरी ट्राई हाइड्राइड हैज मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। ये थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो नीचे की तरफ जाकर घटता है ये। तो NH3 के बाद आ जाएगा आपका PH3, और फिर उसके बाद ASH3, और उसके बाद आएगा आपका SBH3। ओके, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है, ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन। फिजिक्स का सवाल है, बेसिकली इसको हम सीधे ही बता देते हैं, आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ये फ्रैक्शनल फोर्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहता है, सम पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि कौन सा इनमें डाल्टन की थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है। तो ये ऑप्शन सी देखेंगे आप, ये डाल्टन ने नहीं कहा था। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट शो SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको देखिए आप, BF3 को, बी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, एफ के पास होते हैं 7, तो 7 × 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 24। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में मिलेंगे 3, 3 को आप देखोगे तो एक एस होगी उनमें और 2 होंगे पी, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 में होगा और यही आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 6, लाइट रे जो है यहाँ पे एंटर कर रही है डेंसर मीडियम में, वेलोसिटी वी है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, एंड वेवलेंथ उसकी लैम्डा है। तो जो वो डेंसर मीडियम में एंट्री करेगी तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलने वाली उसकी, बट उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और ये दोनों घट जाएंगी, वेवलेंथ घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, सॉरी वेवलेंथ और वेलोसिटी घटेगी, यस, और बचती है आपकी फ्रीक्वेंसी, वो आपकी सेम रहेगी एंड चेंज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेसिक सवाल है ये बेसिकली, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया। 7 देखिए, मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट देखिए ये तो सब प्योर कार्बन का बना है, कार्बन डायमंड ऐसे ही प्योर कार्बन का, ये ग्रेफाइट बना होता है आपको पता है। उसके बाद ओजोन प्योर ऑक्सीजन का बना होता है, सिलिका SiO2 ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बना होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, वूज एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट 9, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ स्टीफन लॉ। 10वां देखिए, कहता है इनमें से कौन सा जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह से काम करेगा, तो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह से ये काम करेगा, देखिए कैसे, ये आपका कार्बोकैटायन है, ओके, और यहाँ पे आपका CH3 लगा है, यहाँ पे भी आपका CH3 लगा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा है, ओके। इस CH3 को लेकिन आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो ऐसे, CH2, जस्ट वन CH2, और यहाँ पे H, और ये H ये आसानी से डोनेट कर सकता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको एच प्लस की फॉर्म में ये आसानी से रिलीज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और इस ढंग से ये एक ब्रोंस्टेड एसिड की तरह से काम करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ये फिजिक्स का सवाल है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स के सवाल अभी हम आंसर नहीं करेंगे, फिजिक्स वाले सर या तो उसको डिटेल में समझाएंगे या आपको हम उनसे आंसर क्लियर करके बता देंगे। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 मीटर, 10 एम्पियर सॉरी, व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट आउटपुट टर्मिनल, इट्स रेजिस्टेंस इज, तो आप जानते हो V इज इक्वल टू IR, ओके, ये फॉर्मूला होता है, 220 वोल्ट दिया है V की वैल्यू, इज इक्वल टू I की वैल्यू दिया है 10 एम्पियर इंटू R की वैल्यू, R यहाँ से निकल जाएगा 22 ओमेगा, ओके ओम,
13 देखिए, द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता है आपका फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कभी भी आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाएगा, जबकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, जिनमें Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में होता है। HClO3 है जैसे, HClO है ये, यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। और 14 नंबर देखिए, ओके इसको छोड़ देते हैं फिजिक्स का। इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीज इन नॉन मेटालिक करेक्टर विल डिक्रीज, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, जब नीचे की तरफ जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है कि साइज पीरियोडिक नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो मेटेलिक करेक्टर घटता है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, जब साइज बढ़ेगा मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा। ओके 16 देखिए, एक तीव्र गतिशील वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और मोमेंटम। 2, 3 और 4, 2, 3 और 5, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ताप पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता, केल्विन स्केल होता है ये। और 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। इसमें इनफैक्ट आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड के की प्रेजेंस होती है। ओके कुछ एजेंट्स हैं, NH3, सॉरी ये हो जाएगा जैसे आपका NH4, और ये हो जाएगा प्लस में और Cl हो जाएगा बाहर माइनस में। ओके तो एजेंट से ये बना होता है, और इसमें नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे कि आपने देखा था कुछ एजेंट से होता है ना, NH4+ और Cl, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में ये आयोनिक बॉन्ड है, और नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल में आप जानते हो कि वाटर का होता है 104, उसके बाद ये तेजी से घटता है नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो। ओके तो पहला सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद ये फिजिक्स का सवाल, इसको छोड़ दे रहे हैं। और 21 देखिए, इथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर इथाइल ब्रोमाइड का आप रिएक्शन कराओगे केसीन के साथ, ठीक है, तब तो ये मिलेगा, और अगर आप AgCN का इस्तेमाल करोगे तो मिलेगा आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। ओके क्योंकि यहाँ पे AgCN का इस्तेमाल हुआ था। 22 नंबर, वस्पर थ्योरी द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर, तो देखो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बारी आती है, उसके बाद बॉन्ड पेयर पेयर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 23 नंबर पे चलते हैं। अच्छा, एक आदमी जो है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, वो किसी सिंपल मिरर के सामने अगर खड़ा होगा, तो मिरर की मिनिमम लंबाई कितनी चाहिए होती है, जितनी उसकी लंबाई है उसका आधा, तो 1 मीटर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 24, व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम, और हमसे पूछा गया 3.2 ग्राम एटम्स का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3.2 को 32 से, तो ये हो जाएगा 102.4 ग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, फिजिक्स का है छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद ये आया केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है ये, यहाँ पे क्या है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी आर एट टेम्परेचर इतने इतने, इन व्हाट रेशियो विल दे इमिट थर्मल रेडिएशन, फिजिक्स का ही सवाल है। तो आप जानते हो स्टीफन का नियम, वो क्या कहता है कि जो आपका इमिशन है वो या रेडिएशन है वो कुछ जंग से होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। ओके या जंग से ले सकते हो, इज इक्वल टू σT4। ओके एनीवे तो दो टेम्परेचर में यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों के लिए ई की वैल्यू अलग अलग निकलेगी, तो जस्ट मोमेंट ये हो जाएगा आपका, पहले के लिए E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 7 डिग्री है, तो 273+7 280 की पावर 4, और ऐसे E2 के लिए निकलेगा। दोनों को आप अगर एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो कुछ ढंग से आपको ये दिखाई देगा, होल्ड ऑन।
इवन अपॉन ई टू इज इक्वल टू 280 की पावर 4 अपॉन 290 की पावर 4। और इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आपको पहला वाला आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन ईच ऑफ द आयंस गिवन बिलो द चार्ज बेरिंग कार्बन एटम्स मेक ए पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम सच ए बॉन्ड फॉर्मेशन इट यूटिलाइजेज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल विच बियर्स मैक्सिमम एस करेक्टर। मैक्सिमम एस करेक्टर बताना है हमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो सॉरी एस पी हाइब्रिडाइज। ओके, तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 50%, मैक्सिमम इसी में होगा। और उसके बाद यहाँ पे बतानी है अल्फा बीटा गामा की विमाएं, तो ये होंगी आपकी एम एल और एम एल टी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का छोड़ देते हैं। उसके बाद द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल इज, तो स्पेसिफिक चार्ज की बात हो रही है, ये होता है आपका स्पेसिफिक चार्ज। अगर प्रोटॉन का पी आप चार्ज ले लो तो इसका मास होता है एम। ओके, प्रोटॉन तो आपका ये हो गया 1H1, और उसकी बात करें अल्फा पार्टिकल, ये होता है आपका 2HE4, हीलियम नाभिक होता है ये। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो इसके लिए चार्ज अपॉन मास की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4m और ये आएगी 2p। अब इन दोनों का रेशियो अगर आप लोगे तो आएगा 2:1। ओके, तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। और उसके बाद देखिए बहुत ही मज़ेदार अच्छा सवाल है ये आपको, ऑल ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम आर, तो सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-1 होता है। लास्ट का शेल कहाँ जाएगा, लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ एक। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 यहाँ पर कक्षाएँ हैं तो 3 हो जाएगी एन की वैल्यू, और जब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा लास्ट में, और वो कौन सा कहाँ पर जाएगा, वो एस में जाएगा, एफ और एस ऑर्बिटल में। एस के लिए वैल्यू होती है एल की 0। ओके, तो L हो जाएगा आपका 0, जब L 0 तो M भी हो जाएगा क्या 0, और पहला ही इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू +2 होगी, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फ्यूल इन ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। तो न्यूक्लियर फिशन की अगर हम बात करें, थोरियम या यूरेनियम हो सकता है, और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो वहाँ पर होना चाहिए आंसर ड्यूटेरियम, बट वो पूछा नहीं गया, बट गोइंग फॉरवर्ड आप नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम दोगे कहीं पे तो ये पूछा जा सकता है। 33 कहता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एस करेक्ट, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और उसके बाद 34 नंबर कहता है कि पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, तो गामा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। 35 देखिए, केपलर लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट इज इक्वलन टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉट एंगुलर मोमेंटम। और 36 नंबर, हु पोस्टुलेटेड दैट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, किसने कहा था ये, तो ये कहा था नील हेनरिक डेविड बोर ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 37 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यहाँ पर बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन की गई है हाई टेम्परेचर पे अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, तो बनने वाला क्या है हमारा, ये बनेगा आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आपका गैमेक्सीन या क्या कहते हैं इसको, लिंडेन। ओके, टी नाम है इसके। और उसके बाद 38 नंबर आप देखिए, दो प्लेन मिरर रखे गए हैं और 60 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस पता करने का, 360 अपॉन थीटा, यानी कि थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा होगा आपका 60 डिग्री, ओके, -1, तो ये हो जाएंगे आपके 5 मिरर इमेजेस। ओके, कहता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आर आई इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस या वैक्यूम। ओके, और सेम थिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन, जहां पे ये हो रहा है तो ग्लास की बात हो रही है, ग्लास कह लो फिर। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है कि ग्लास में चाल क्या होगी, जाहिर सी बात है कि आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को इस तरफ ले आओगे, इसको इस तरफ ले जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दी है इन स्पेस 3×10⁸, नहीं भी दी तभी आप ये मान सकते हो यही रहती फिक्स है। ओके, और आर आई हो जाएगा आपको 1.5, तो आपको ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगी वो हो जाएगी 2×10⁸।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 कहता है विच गैस इज इवॉल्व वेन वाटर इज एडेड टू कैल्सियम कार्बाइड एट रूम टेम्परेचर। तो ये होती है एसेटिलीन, जिसे आप वेल्डिंग गैस या फलों को पकाने वाली गैस कहते हो। ओके, कैल्सियम कार्बाइड यानी कि CaC2, और यहाँ पर वाटर किस पे आप रिएक्शन कराओगे, तो इस ढंग से आपको एसेटिलीन यानी कि CH3 CH ये बन जाएगी। ओके और ये सवाल आपका फिजिक्स का, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोल्यूजन, तो ये होता है कंडक्शन के अंदर, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं जैसे लोहे की रॉड वगैरह, उसमें कंडक्शन से ही हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन की बात करें तो ये लिक्विड्स वगैरह में होता है, और रेडिएशन तो आपको जानते ही हो स्पेस में होता है ये। उसके बाद 45 नंबर देखिए, ये आपका है इफ द इलेक्ट्रोड एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन द सेल। एक सेल दिया है, इसमें ये जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, और इनके पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। इस वक्त द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1.1, और फॉर्मूला आपका होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो आप देखोगे यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, तो वो होगा आपका एनोड, तो यहाँ पे जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिंक का जो पोटेंशियल वो आप यहाँ पर रख दो माइनस माइनस 7.76। ओके, और जो दूसरा पोटेंशियल है वो आपका 0.34 ये आएगा, यहाँ पे दोनों को आप ऐड करोगे तो 1.10 हो जाएगा आपका आंसर। ओके अब देखिए क्या कहता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोसफियर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 47, द रेजिस्टेंसेज इन ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ के बने होते हैं, तो मैनगेरिन, और ये जो एलॉय होती है इस एलॉय में मिश्रित धातु में कौन कौन सी धातु शामिल होती है, कॉपर होती है इसमें 85%, उसके बाद Mn होता है 12%, और उसके बाद होता है निकल, और ये होता है आपका तकरीबन 3%। ओके, ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। गोइंग फॉरवर्ड सवाल आ सकता है इसलिए बताना जरूरी था। उसके बाद देखिए सही कदम यहाँ पे चुनना है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो उल्टा लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप HClO3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखते हैं कैसे, कि हो गया आपका Cl, इसके साथ OH चला गया, और यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ गया आपका OH। क्या हो गया भाई, फिर से देखिए आप इसको, तो इसकी स्ट्रक्चर देख रहे थे हम कुछ दिन से, होगी Cl लिया है, उसके बाद OH यहाँ लगा, उसके बाद इस तरफ दो O बचे, तो एक यहाँ लग जाएगा एक यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ। ओके, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। अगर आप देखें ऑक्सीजन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी करने वाला है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 49, विच हैज़ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे करके आप देखेंगे, ये दो एक दो तीन, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी हाफ होगी प्लस की, तो इसकी भी हाफ होगी प्लस की, और इसकी भी हाफ होगी प्लस की। ओके, तो 3/2 होगी ये प्लस की, यही मैक्सिमम होगी, बाकी आप चाहो तो चेक कर लो बाकी की भी। और उसके बाद ये फिजिक्स सवाल छोड़ देते हैं। उसके बाद ये केमिस्ट्री सवाल, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो दो कंपाउंड टूटने चाहिए और दो नए कंपाउंड आयन का एक्सचेंज की मार्फत बनने चाहिए, ऐसा अगर होगा तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। बट यहाँ पे आप देखोगे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट था, ब्रेक हुआ दो बन गए, यहाँ पे एक ही था एलिमेंट एक था, और उसके साथ फिर एक प्रोडक्ट बना एक एलिमेंट अलग हो गया, तो आयन तो हालांकि बदला है यहाँ पे, एफ ही आया लेकिन अकेला। बट आप पहली वाली रिएक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, हालांकि इसको हम पूरी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन कहना थोड़ा सा मुश्किल है इसको, बट यहाँ पे फिर भी दो कंपोनेंट हैं और दो कंपाउंड सॉरी, और वो दोनों टूट रहे हैं, उसके बाद नए दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल यही है। उसके बाद 52, फाइंड आउट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग, तो जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 53 आप देखिए,
फिजिक्स का सवाल है बट ये बहुत आसान सा है इसलिए हम बता रहे हैं। विच मिरर इज बेस्ट सुटेड फॉर टू फोकस पैरेलल रेज एट ए पॉइंट, तो ये होता है आपका पैराबोलिक। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है स्फेरिकल कॉन्क्लेव। तो ऑर्डर अगर पूछा गया था तो हमारा इस ढंग से चलता, बट अभी आपका आंसर है डी। 54, Na और F- दो आयन है यहाँ पे, दोनों का टोटल जो है रेडियस का वो है 231, और एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना है, एक्स इंटू 0.691। ओके, दोनों मिलाकर कितने हैं, 231 ओके पिकोमीटर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे ठीक, तो उसके बाद दो वैल्यूज मतलब एक्स की वैल्यू एक तरह की लगी, एक तरह से तो आपकी एक्स ही होगी और दूसरी होगी एक्स इंटू दिस। दोनों की वैल्यूज 69 हो जाएगी, इस वाले की ये छोटा होगा ना, इसकी होगी 95 और एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी 136 पिकोमीटर। अब अगर एफ माइनस की बात करो तो इसकी जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो 136 पिकोमीटर होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा सवाल है और इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस ढंग से मॉडिफाई हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास लॉ होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस होने की वजह से हुआ क्या कि डी क्यू जीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू माइनस का डी डब्ल्यू, और ये हमें मिल कहाँ पे रहा है, डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 57, द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, तो ये होता है आपका जिंक। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर, और जिंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ, इनफैक्ट एस भी भरा हुआ होता है। ओके, तो एस के दो इलेक्ट्रॉन निकाल के जनरली ये प्लस टू ही शो करता है। 58 नंबर देखिए, ओके इसका सॉरी चलिए बता देते हैं इसको, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं पी निकालने के लिए, यानी कि संवेग जो है हमारा, या तो हम इससे निकाल सकते हैं एम वी से, या फिर इसके लिए फॉर्मूला होता है एक रिलेशनशिप एफ और पी के बीच में होता है, एफ इक्वल टू पी अपॉन टी। पी के लिए पूछा है तो हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ओके, और ये इसका छोड़ दे रहे हैं फिलहाल। वाई यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वीक वंडर वॉल फोर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो अगर आप देखें वॉल्स एटॉमिक मॉडल ट्रेस इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव, नहीं ये नहीं है, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 62 नंबर देखेंगे, व्हेन ए पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इट्स डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बिकम वाइडर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि फिजिक्स का सवाल था बट जितनी भी फिजिक्स फिलहाल हमें याद है वो उसके बेस पर हम बता देंगे आपको, बाकी जो छूटेंगे वो हम सर से करा देंगे। 63 नंबर, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, चूंकि आप 2-क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हो जाएगा सी ओ एच, और यहाँ पर आपका रहेगा सी एच, और यहाँ पर आपका रहेगा सी एच थ्री। अब आप देखो इसकी वैलेंसी अगर आप पूरी करोगे, 2-क्लोरो यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दो तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा, और इसलिए ये एक्टिव होगा ऑप्टिकली। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 64 देखिए, आफ्टर द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड विच सेट हैज बॉन्ड ऑर्डर +1, तो एफ टू का बॉन्ड ऑर्डर आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वैलेंस सेल में, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब वो 14 इलेक्ट्रॉन में इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, F2 जस्ट अ मोमेंट सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब है, तो यहाँ पे आपके F2 में होंगे 9 × 2 = 18, और यहाँ पे भी O2 टू माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 हो गए तो हो गया 2.5, और ऐसे ही आप चलते रहेंगे तो 18 पे होगा 1, 18 पे होगा 1, तो ये पहला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, ये नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 14 14 का मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नाइट्रोजन का 3। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो 14, ये 3 3 होगा इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर। वैसे बाकी आप चेक कर सकते हो, 12 आंसर आपका ए सही है। उसके बाद देखिए विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शो इट इज ए ट्रांसवर्स वेव, तो ये पोलराइजेशन की वजह से हम चेक कर पाते हैं। ओके,
ऑफ फॉलोइंग इज ए परमानेंट इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। उसके बाद 67 पे जाते हैं, करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक वायर, ये तो वायर इज हीटेड विच क्वांटिटी चेंज। बेसिक सवाल है फिजिक्स का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, ये भी होगा आंसर आपका। इसका मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 68 पे चलते हैं, कैलोरी मीटर, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है, फिजिक्स वगैरह देंगे इसको। 69 देखिए, देज आर नंबर ऑफ आयंस, कितने होंगे नंबर ऑफ आयंस इसमें, देखिए कुछ इस ढंग से इसकी स्ट्रक्चर होगी, आप इस ढंग से ले सकते हैं, कोबाल्ट और यहाँ पे अमोनिया होगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल से 5, ओके, तो इस ढंग से। और उसके बाद सीएल, ये 5 तो अमोनिया लग गए, एक चाहिएगा इसको सीएल अंदर, उसके बाद कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाद बाकी बचे हुए सीएल 2 बाहर, तो 2 आयन तो ये हो गए सीएल के और एक हो गया ये आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर, टोटल 3 आयन हो गए, तो ये होगा ऑप्शन बी, ओके। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, 71 को छोड़ देते हैं, डायलूट सोल्यूशन ऑफ द अल्कली मेटल्स इन हेडरेस लिक्विड अमोनिया इज, तो ये होते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक, ओके। अब लिक्विड अमोनिया में डिपॉजिट डिजोल्व होने के बाद ये क्या करते हैं, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बना लेते हैं जो कि कंडक्टिंग होता है इन नेचर, ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 73, विच शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये शो करेगा आपका पीबी, क्योंकि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। उसके बाद गिवन 4 फोर्सेज यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, दो ऐसे फोर्स हैं यहाँ पे जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स की, तो ये होती है आपकी कैसी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट टाइम आपसे कंजर्वेटिव फोर्स पूछ सकता है। उसके बाद कह रहा है कि बैटरी कई बार काम करना बंद कर देती है, तो ऐसे में क्या रीजन हो सकता है, बी ऑप्शन देखिए, मोबिलिटी ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। आगे कहता है 76 गनमैन, ओके इसका छोड़ देते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और 78 देखेंगे आप, ये आपका है तो फिजिक्स का सवाल, चलिए इसको बता देते हैं, बहुत आसान सा, स्टीफन के रूल पर है ये, स्टीफन लॉ, ओके। और ये होता है आपका डिमेंशन हो ई, तो इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, ओके। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है ये, 3 से 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 10 सेंटीमीटर को आप बदल लोगे मीटर में, उसके बाद वैल्यूज रखोगे, 327 को आप केल्विन में रखोगे, तो ये हो जाएगा 600 डिग्री, ओके। और यहाँ पे 5.67 तो आपके पास है ही, 5.67 इंटू 10 to power -8 इंटू पाई, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4 पाई, और आर स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -2 हो जाएगा, और उसके बाद बचता है आपका क्या टी, तो 600 की पावर 4, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 923 वाट। और क्या कहता है, द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो, बॉन्डिंग अमॉन्ग एटम इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनिक कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे होगा नाइट्रिक एसिड इसका आंसर, ओके। और नाइट्रिक एसिड की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनता है कुछ इस ढंग से। ये है आपका नाइट्रोजन, ओके। और यहाँ पे आप लगा दो एक ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज और नीचे एक ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आयोनिक और कोवेलेंट तीनों बॉन्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 18 है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर मोबिलिटी देन होल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद सिल्वर के हैलाइड में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला इनमें से कौन होगा, तो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे डी से ही, और लेकिन न्यूनतम क्यों होगी, तो क्योंकि आप देख रहे हो कि एजी तो सब में प्रेजेंट है, अब एनायन का साइज आप देखोगे तो आई का सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो आपको साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो आई का साइज बढ़ेगा, एनआईन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर जितना बढ़ेगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो ए जी आई इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 83, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और ये बना रहे हैं क्या, HCl,
तो ये अवोगाद्रो के नियम पे बेस्ड है। तो यहाँ कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज एट आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी वॉट सेम होगा। ओके 84 देखिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ये, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन दी हुई है 10 सेकेंड। सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डीके, कितना टाइम लेगा? तो पूरी तरह से कितना टाइम लेगा डीके होने में ये कहना मुश्किल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखिए एक रिएक्शन दी हुई है, पूछा किस टाइप की रिएक्शन है? तो ड्राई ईथर में हो रही है रिएक्शन, इसका मतलब ये क्या है? वोल्ड रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैलाइड लगी हुई है और दो मॉलिक्यूल इसके लिए लिए गए हैं। अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2NaBr अलग हो जाएगा और CH3 CH3 जोड़ करके इथेन बना लेंगे। 86 वन वन इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट? तो ये होता है आपका AlCl3, जहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। 87 देखिए, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज इन स्पेक्टिकल्स? चश्मों में सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल हम किस दोष को दूर करने के लिए करते हैं? तो ये होता है आपका एस्टिगमेटिज्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे पूछा है कि एन की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और एन की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए 3, तो यहाँ पर आप 3 लगा दोगे फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिए, एस करेक्टर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे होगा एस करेक्टर आपका 33% और 66% होगा पी करेक्टर। ओके, ग्रेफाइट में होता क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अगर आप डायमंड की बात करोगे तो ये होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे s होगा कितना? 35% और p होगा 75%। ओके 90 कहता है मैकेनिकल इक्विपमेंट इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज डायमेंशनलेस, क्योंकि जूल पर कैलोरी में होता है, ठीक है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और उसके बाद ये छोड़ देते हैं, पूछा है आइसोटोन्स कौन से होंगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे, और यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर। उसके बाद 93 पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, चलिए इसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। 94 छोड़ देते हैं। अगला कहता है 95, विच एलिमेंट वॉज असाइंड ग्रुप थर्ड एलिमेंट इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बट इट इज मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इन द 18th ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये होता है आपका एल्युमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर, आप जानते हो बैंगन गालू आलू गाजर इंथेला। 96 कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्राम एटम प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम? तो इसका मोल्स पता लगाने हैं हमें, तो 2.3 ग्राम हमने सोडियम लिया, सोडियम का जो है मोलर मास होता है वो होता है आपका 23। ओके तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 97 कहता है व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट्स बीटा रे व्हाट डज नॉट चेंज? तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। उसके बाद 98 पे चलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसके पास नहीं होगा? तो इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होगा और ये होगा नाइट्रोजन। ओके 99 देखिए, विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 इन थ्री डी सीरीज में? एमन होता है जो मैक्सिमम 7 शो करता है प्लस का, इसके अलावा ऑस्मियम होता है जो कि 5D सीरीज का मेंबर होता है, वो +8 तक भी शो करता है। ओके उसके बाद 100 देखिए, मर्करी थर्मामीटर,